नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। खबर अमेठी से आ रही है। दलित परिवार को अपनी आवाज उठाना पड़ा महंगा। मामला जनपद के थाना क्षेत्र जामो का है, जहां दबंगों द्वारा जबरदस्ती घर के सामने उसकी ही जमीन पर प्रधान द्वारा शौचालय बनवाया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित ने विरोध किया तो दबंगों द्वारा दलित महिला के घर को आग के हवाले कर दिया गया और पीड़ित के जेठ को पुलिस उठा ले गई, थाने में बंद कर दिया। पुलिस मामले को बढ़ता देख अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही में जुट गई है। दलित महिला अनीता ने बताया कि प्रधान द्वारा हमारी जमीन पर शौचालय बनवाया जा रहा है। जमीन पर स्टे होने के बाद भी प्रधान जबरन हमारी जमीन पर शौचालय बनवा रहे हैं और कल SDM और दरोगा को बुलाकर हमारे जेठ को थाने ले गए और बंद कर दिया। रात में हमारे घर में आग लगा दिए, जिसकी शिकायत हमने थाने में किया, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमारा बहुत सामान जल गया है। वहीं ग्रामीण रामकरण सिंह का कहना है, गांव में दुर्गा पूजा हो रही थी, गांव के सभी लड़के दुर्गा पूजा देख रहे थे, तभी उनके पति आए और बताए कि मेरे घर में आग लग गई है। जब हम लोग आग बुझाने आए तो प्रधान के दो लोग वहां खड़े थे और जब लड़के उन लोगों को पकड़ने के लिए दौड़े तो लड़के भाग गए। रामलीला में वहां लड़कों ने मारपीट की। प्रधान से जब हम लोग बात किए तो प्रधान ने उन दोनों लड़के का पक्ष लिया। वहीं पीड़ित महिला अनीता के पड़ोस में रहने वाली महिला मीरा सिंह ने बताया कि जमीनी विवाद है और पीड़िता के घर के सामने आबादी की जमीन है, जिस पर प्रधान का कब्जा है और पीड़िता के घर के सामने शौचालय बनवा रहे हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में CEO संतोष सिंह का कहना है कि बीती रात मनीराम के घर में मड़हे में आग लग गई थी। मनीराम की पत्नी ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर की है, मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। अमेठी ब्यूरो अनिल दुबे के साथ अमेठी से ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। आज दिनांक 27/10/2020 की रात में जामो थाना क्षेत्र के सरमे गांव में मनीराम पुत्र राम स्वरूप के घर के मड़हे में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आग लगा दी गई, जिससे उनका मड़हा और उसमें रखे सामान जल गए। मनीराम की पत्नी अनिता द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लिखित तहरीर दी गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जाएगी।